हर एक जन ताली बजाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करे, उसके नाम की महिमा करे, उसके नाम पूजा करे, ऋषि की सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। पवित्र आत्मा आज हर एक जन को शुले, आज से आप परमेश्वर के वचन पर चलने वाले बन जाएं। आज से परमेश्वर का वचन आपको आजाद करे, आपके बंधनों को तोड़े, आपके लाइफ में जो कुछ चल रहा है उतार और चढ़ाव इसी वक्त आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, अपने सिर पर हाथ रखे, बोलो मैं परमेश्वर का हूँ, बोलो मैं यीशु मसीह का हूँ, बोलो यीशु मसीह मुझ में है, बोलो बोलो परमेश्वर में हूँ और वो मुझ में बना है और मैं उसमें बना रहूंगा। बोलो मैं कभी भी परमेश्वर के नाम की निंदा नहीं करूंगा, मैं उसकी महिमा करते चले जाऊंगा, उसके कामों को करते चले जाऊंगा। दाऊद ने सुलेमान को कहा काम में लग जा और लगातार करते जा और तू रिजल्ट को दिखेगा। आज वो कहता है परमेश्वर हमें भी कि लग जा, काम में लग जा और लगातार काम करते चले जा, उद्धार के कामों को करते जा, सामर्थ्य में सामर्थ्य प्राप्त करते जा। आज मैं घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, परमेश्वर की सामर्थ्य से भर जाए, उसके अनुग्रह से भर जाए, उसके अभिषेक से भर जाए। जितना हम बाइबल पढ़ेंगे, जितना हम वचन को रिसीव करेंगे, आप बल पर बल प्राप्त करेंगे, आज सामर्थ्य हो जाएंगे। आज संगति करते हैं या वर्शिप करते हैं, अपने जीवन में जो परमेश्वर को आधार मानकर आपका जो डिसीजन होता है तो वो आपको बलवंत करता है, आपका भीतरी मनुष्य तो बलवंत होता जाता है, वो सामर्थ्य होता जाता है। फिर आप किसी से डरेंगे नहीं, आप घबराएंगे नहीं, किसी शैतान के सामने झुकेंगे नहीं, नशे के सामने नहीं झुकेंगे, पाप के सामने नहीं झुकेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मुझे तो सामर्थ्य होना है, मुझे तो शैतान को हराना है। मैं पाप में नहीं रह सकता, मैं पाप में जिंदगी नहीं बिता सकता, मुझे परमेश्वर में होना है, मुझे उसके पीछे चलना है, मुझे अपने आप को समर्पण करना है। युद्ध कन्या में डरना नहीं है, युद्ध कन्या में समर्पण करना है, युद्ध कन्या में उद्धार का टोप पहनना है, युद्ध कन्या में विश्वास की ढाल को लेना है, युद्ध कन्या में प्रार्थना करना है, युद्ध कन्या में लगातार प्रार्थना करना है, युद्ध कन्या में वचन को लगातार मेडिटेट करना है, युद्ध कन्या में पवित्रता में रहना है, अड़े और खड़े रहना है, और अब जीतते चले जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आप और हम सभी जीतने के लिए बुलाए गए हैं, नरक शैतान के उसके सेना के लिए है, हमारे लिए नहीं है। पर जब शैतान के चालबाजी में फंस जाते हो, उसकी बातों में आ जाते, जैसे हमने गीत गाया कि हम शैतान की बातों में नहीं आएंगे, हम उसके गले में नहीं आएंगे, उसकी बातों में नहीं फंसेंगे, हालेलुया। और वो शैतान क्या करता है, वो फंसाने के लिए आएगा, वो डराने के लिए आएगा, अरे कुछ नहीं हुआ तेरे लाइफ में, यीशु को मानने से क्या मिलता है, ये शैतान की बातें है, अरे देख तू बीमार है, छोड़ दे यीशु मसीह को, ये शैतान की बातें हैं, अरे प्रार्थना मत कर। आप कहते मेरे प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा है, शैतान की बातों में नहीं आएंगे, बोलो हम शैतान की बातों में नहीं आएंगे, हम किसी भरमाने वाले की बातों में नहीं आएंगे, हम किसी की बातों में नहीं आएंगे, हम भरमाए नहीं जाएंगे, हम ठोकर नहीं खाएंगे, बोलो हम भरमाए नहीं जाएंगे, बोलो यीशु मसीह मेरा जीवन का आधार है, बोलो उसके वचन से मुझे जिंदगी मिलती है, उसका वचन बोलो मेरे घर को बनाता है, बोलो उसका वचन मुझे बनाते जाता है, उसका वचन मुझे सिद्ध करते जाता है, उसका वचन मुझे बल देता है, बोलो उसका वचन मुझे सामर्थ देता है, बोलो उसका वचन मुझे शांति देता है, बोलो आज से परमेश्वर मैं तेरे वचन में रहूंगा, बोलो मैं रोज आपको फोन करूंगा, बोलो मैं प्रार्थना में बातें करूंगा, बोलो ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा जिस दिन मैं प्रार्थना नहीं किया हुआ हो। जिस तरह से हम अपने लोगों से रोज टेलीफोन में बात करते हैं, मैं रोज आपको फोन घुमाऊंगा, मैं रोज आपसे बातें करूंगा। जब आप इंटरेस्ट दिखाते हैं यीशु मसीह से बातें करने के लिए, तो परमेश्वर भी इंटरेस्ट दिखाता है आपकी दुआ को सुनने के लिए, आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए, कि आप प्रार्थना में क्या मांग रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, आपको किन चीजों की जरूरत है। और वो आ जाता है जब आप इंटरेस्ट दिखाते हैं उसके वचनों में, जब आप इंटरेस्ट दिखाते हैं, भूख और प्यास दिखाते हैं परमेश्वर में, उसके वचनों में, तो यीशु मसीह आ जाता है।
आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए, आपकी दुआ को सुनने के लिए। हाँ मेरी बेटी क्या जरूरत है, हाँ मेरे बेटे तुझे क्या चाहिए। Yes, I am your great provider. मैं प्रोवाइड करूंगा, मैं मददगार को भेजूंगा, मैं तुझे चंगाई चाहिए, हाँ बेटी ले चंगाई, तुझे ये चाहिए, ये बेटा मैं तुझे ये देता हूँ, मैं तुझे ये देता हूँ, मैं तुझे ये देता हूँ, इसलिए कि तूने फोन घुमाना नहीं छोड़ा है, तूने प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी है, तू मेरे पास आना नहीं छोड़ा है, तूने संगति करना नहीं छोड़ा है, इसलिए मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा और मैं तुझे उत्तर दूंगा, और वो उत्तर फल के रूप में आएगा, तेरी गोद में आएगा और तू शांति को पाएगी, तू आशीषित हो जाएगा, तेरा मन गदगद हो जाएगा, तू आशीषित हो जाएगा। आप काम भी करेंगे किचन में तो आप मुस्कुराते जाएंगे उसके वचन को याद करके। मैं ऐसे ब्लेसिंग की घोषणा करती हूं के सामर्थ्य नाम में, कोई शैतान आपको हरा ना पाएगा, परंतु कौन झुकेगा आपके आगे, वचन के आगे। जब वचन जितना अंदर आपके जाएगा, शैतान को झुकना ही पड़ेगा आपके आगे। जब शैतान आपके अंदर परमेश्वर को उसके वचन को देखेगा, ऑटोमेटिकली उसे झुकना ही पड़ेगा, और वो झुक गया है। यीशु मसीह ने हरा दिया है। यदि आप नशा करते हैं तो छोड़ दें, अनुग्रह को मांगे। यदि आज भी आप पाप है तो पाप को छोड़ दें, सरेंडर कर। युद्ध का नियम है, यू हैव टू डेडिकेट योर सेल्फ, सरेंडर योर सेल्फ, सरेंडर योर लाइफ, सरेंडर योर family, surrender your business to Jesus Christ, surrender everything जो आपको belong करते हैं, जिसे आप belong करते हैं, surrender yourself, surrender your family, surrender your brothers, sisters, surrender your daughter, your son, everything जो connected है आपके साथ, surrender करो, समर्पण करो। क्या हिम्मत है शैतान की कि आपको आप पर अटैक करे, क्या हिम्मत है शैतान की आपके घर को तोड़ दे, क्या हिम्मत है शैतान की कि आपको बर्बाद करे। बोले क्या तेरी हिम्मत है, क्या तेरी औकात है। वचन में जितना आप समाएंगे उतना आप समर्थिक होते जाएंगे। हालेलुया। और आप हंसेंगे शैतान पर। नीति वचन की किताब में लिखा है 31 अध्याय में, और वहां पर लिखा है स्त्री अपने घर को बनाती है और स्त्री हंसती है। अकाल आने पर भी हंसती है, प्रॉब्लम आने पर भी हंसती है, मुस्कुराते रहती है। अरे चल छोड़, ए शैतान तू क्या बातें लेकर आया है, तुझे पता नहीं है मैं आगे निकल गई हूँ, मैं वचन में बढ़ना शुरू कर दिया है, मैं वचन में समाना शुरू कर दिया है, तेरा मुझ पे कोई अधिकार नहीं है शैतान। हालेलुया। और नीति वचन की किताब में हम पढ़ते हैं लास्ट अध्याय में कि वो हंसती है, अकाल में भी हंसती है, प्रॉब्लम में भी हंसती है, उसे पता है यीशु मसीह मेरे साथ है, मैं रोज फोन घुमाती हूँ, मैं उसके वचन को फॉलो करती हूँ, इसलिए वो हंसती है। और आप भी हंसेंगे, आप मुस्कुराएंगे, अरे तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, तुझे झुकना पड़ेगा, तू हारा हुआ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आज हर एक जन अपने आप को सरेंडर करे। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की तरह आजाद हो जाए, तालियों के साथ उसकी महिमा करें, उसकी शक्ति को रिसीव करें, उसकी सामर्थ्य को रिसीव करें, उसके अद्भुत 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 शक्ति को, सामर्थ्य को, अनुग्रह को रिसीव करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि बीमार है तो बोले मैं उसकी कोड़ी खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, उसके कोड़ी खाने से चंगी हो चुकी हूँ, उसके कोड़ी खाने से चंगी हो चुकी हूँ। सबके हाथों में अनॉइंटिंग ऑयल दो और उस ऑयल को अप्लाई करना है। प्रार्थना में रहे, कोई मुझे ना देखे, कोई इधर उधर ना देखे, परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच मौजूद है। और जीसस 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 हालेलुया। आज पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, जब आप अनॉइंटिंग ऑयल को लगाओगे आप देखोगे बंधन टूटेंगे, आप देखोगे परमेश्वर का सामर्थ आपको टच करेगा, आप देखोगे आप आजाद हो गए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उर्रब खंत नम शंति रड़े बेखंत नम खंत नम उर्रब सुन नम शंति रड़े बेखंत नम। परमेश्वर के सगे हो जाओगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर और वचन, मतलब वचन और आपके बीच में कोई दूसरा तीसरा नहीं आना चाहिए, याद रखना। हालेलुया। किसी चीज को, किसी बात को बीच में नहीं आने देना है। और परमेश्वर में बढ़ोगे आप, सामर्थ्य हो जाओगे और तब आपको अधिकार मिलता है, तब बोलोगे तो वो हो जाएगा। सबके लिए नहीं है ये, पर जो परमेश्वर में स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, जो जलन करते हैं कि नहीं मुझे परमेश्वर के वचन को पूरा करना है, मैं परमेश्वर में ऐसे मैं परमेश्वर की निंदा नहीं कर सकता, मैं तोड़ नहीं सकता उसके बाड़े को, मैं सामर्थ्य कम नहीं हो सकता, मैं उसके बल में कम नहीं हो सकता, मुझे और 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 बलवंत होना है, उसके रिसीव करो, रिसीव करो, उस अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करो जहां दर्द, जहां प्रॉब्लम है। होली स्पिरिट, सभी जन खड़े हो जाओ, कोई मत बैठे, कोई भी मत बैठे,
आज परमेश्वर हमारे बीच में बैठे हो, क्या रिस्पेक्ट दे रहे हो परमेश्वर को? जो बीमार है मैं उनको नहीं कहती, हालेलुया रबखंत नम शंति रबखंत नम कंत नम और रबखसन नम शंति अनटिंगल को लगाओ। बोलो मैं यीशु के लहू को लगाती हूँ, बोलो मैं यीशु के लहू को लगाता हूँ, परमेश्वर मुझे यीशु और बदल दे। करो करो प्रार्थना, चुप न रहे, हर एक को अनटिंगल दो, जो लेता उसे दो, जो नहीं लेता उसे मत दो। और रबखसन नम शंति और रबखसन नम शंति और रबखसन संतो नमस्ते होरी का से जितने अनटिंगल लगा रहे, टच Holy Spirit, touch, 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 touch. Holy Spirit, परमेश्वर का आत्मा मूव कर रहा है, हमारे बीच में चल फिर रहे हैं. Be connected with Jesus Christ. Receive करें. Hallelujah, Hallelujah. Oh Jesus, be free in the mighty name of Jesus Christ. आजाद हो जाए. यदि आप हॉस्पिटल में से देख रहे हैं, या अपने घर में हैं, या बीमार में हैं, इतने महीनों से बैठे पड़े हैं, अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करो। यदि है तो रिबसत नमः शंति रे बेकेंत नमः टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट, बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर का आत्मा को टच कर, रिसीव, रिसीव अनॉइंटिंग, रिसीव अनॉइंटिंग, हीलिंग की अनॉइंटिंग को लो, चंगाई की अनॉइंटिंग को लो, डिलीवरेंस की अनॉइंटिंग को लो, छुटकारे के नटिंग कर लो। Be healed and be delivered. Amen. Be healed and be delivered. Amen. हर एक दर्द छोड़ कर जाए right now. I command you. हर एक दर्द जो आपके शरीर में है, be free. Amen. Holy Ghost fire. Fire. Holy Ghost fire. Fire. परमेश्वर की आग उतर चंगे हो जाए। Amen. जो देख नहीं पाते देखने लगे। Amen. जो सुन नहीं पाते सुनने लगे। Amen. जो बोल नहीं पाते बोलने लगे। Amen. जो अपने हाथों को ऊपर नीचे नहीं कर पाते चंगे हो जाएं। Amen. जो उठ बैठ नहीं पाते, be free. Amen. Touch Holy Spirit. चंगे हो जाओ, आजाद हो। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, be healed and be delivered. Amen. चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, यीशु के सामर्थ्य नाम में। Amen. मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा को शुरा, पवित्र आत्मा को शुरा। जैसे मैं कह रही हूँ, ये मेरा वर्ड नहीं, ये परमेश्वर का वर्ड है। रिसीव करो, रिसीव करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो। बोलो मैं रिसीव करता हूँ। Be healed and be delivered. Amen. Be healed and be delivered. Amen. ऐ शैतान, ऐ बीमारी, तेरा कोई दिखा नहीं। Get out. इसी वक्त छोड़ कर जाए। हर एक infection छोड़ के जाए। हर एक इलाज बीमारी छोड़ के जाए। हर एक घबराहट छोड़ के जाए। हर एक दर्द छोड़ के जाए। हर एक problem छोड़ के जाए। हर एक समस्याएं छोड़ के जाए। Holy Ghost fire. यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। प्रार्थना करके चंगे हो जाओ, आजाद हो जाए। आमीन। Be healed and be delivered. आमीन। Be healed and be delivered. आमीन। रब संत नम शंति रे बेकेंद नम कंद नम। परमेश्वर का आत्मा चंगा कर रहा है आपको, अब आजाद हो रहे हैं। परमेश्वर पुष्टि रहा है हर एक अंदरूनी आपके जो अंदर में जो जो निराश है, जिसका कोई हल नहीं है संसार के पास, लेकिन यीशु के पास हल है। Jesus is your solution. He's a problem solver. वो परमेश्वर कौन है? सॉल्वर है, समस्याओं का समाधान करने वाला परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करती आज से हर एक निराशाएं जाएं, हर एक कंफ्यूजन दूर हो जाए, हर एक निराशाएं, जबकि जिंदगी में हर एक चिंता वाली बात आज सबकी जिंदगी का हिस्सा नहीं। परमेश्वर कहता चिंता मत कर तू, बट तू प्रार्थना कर। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा शुद्ध करे ऐसे लोगों को जो सीरियस है प्रार्थना में, जो सिंसियर है, आज जो रिसीव कर रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं, आज हर एक जनों को शुद्ध यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम इसी वक्त राइट नाउ आजाद हो जाए। आके बच्चे आजाद हो जाए, हर एक प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हर एक लाइलाज बीमारी से आजाद हो जाए, हर एक पीलिया से आजाद हो जाए, हर एक सर्दी खांसी बुखार से आजाद हो जाए, हर एक रोग जितने सालों से आपके ऊपर बैठी है, गेट आउट। हर एक कुत बीमारी से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती जो बहनों के बाद बेबी की ब्लेसिंग नहीं, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। आपका यूट्रस चंगा हो जाए। मैं प्रार्थना करती चंगे और आजाद हो जाए। ऊर्रा बसंत नम शंति रे बेकेंद नम कंद नम ऊर्रि बसंत नम शंति रे बेकेंद नम कंद नम ऊर्रि कसो नम शंति वीर बसंत नम शंति नम सेंते नम होली स्पिरिट टच 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 बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। आज से चंगाई आपका हिस्सा हो। सुरक्षा की घोषणा करती हूँ, प्रोटेक्शन की घोषणा करती हूँ। आपके घर के चारों ओर में बाड़ा को बांध देती हूँ स्वर्गदूतों का।
रिसीव करो, मैं रिसीव करता हूँ, बोलो मैं रिसीव करती हूँ, बोलो मैं ग्रहण करता हूँ, बोलो स्वर्ग दूतों को बाड़ों में बांध दी, आपके घर के चारों ओर, आपके बच्चों के चारों ओर, आपके बिजनेस के चारों ओर मैं बाड़ा बांधती हूँ, के लहू में कवर करती हूँ, आपके जॉब में बाड़ा बांधती हूँ और मैं आपके जॉब को ब्लेस करती हूँ, आपके बिजनेस को ब्लेस करती हूँ। आप ऊंचे होने के लिए बुलाए गए हैं, आप आशीषित होने के लिए बुलाए गए हैं। जितने बिजनेसमैन है मैं बेस्ट बिजनेस की घोषणा करती हूँ, खाली आप ग्रोथ करेंगे बिजनेस में। पवित्र आत्मा शिव लीजिए होली स्पिरिट एंड बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक शैतान की चलाकी को मैं कैंसिल करती हूँ अपनी जिंदगी से, शैतान के प्लानिंग को मैं ढा देती हूँ, गिरा देती हूँ, सामर्थ्य नाम है एंड बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक विचार की आत्मा, गंदे सोच विचार की आत्मा, गलत चीजें जो शैतान दिखाता करता आपके साथ, होली घोस्ट फायर, गलत चीजें छोड़ के जाए, जो गंदे एप्स आपने डाउनलोड किए हैं अपने फोन में, गेट आउट और डिलीट करो, क्योंकि ये भी एक शैतानी है। होली घोस्ट फायर, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, निर्दोष हो जाए, आपके हर एक्शन में निर्दोष हो, आपके क्रियाओं में निर्दोष हो, आपके बोलने में निर्दोष हो, अपने देखने में निर्दोष हो, अपने हार्ट में निर्दोष हो, परमेश्वर पवित्र कर दे आरे कोईशु के सामर्थ्य नाम में। आज से आप पवित्रता में रहेंगे, पवित्रता ही में चलेंगे, पवित्रता ही आज सबके जीवन का हिस्सा होगा, पवित्रता ही आज सबके जीवन का हिस्सा होगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखो, यदि अपने बच्चों के पास यदि नहीं तो आत्मा में टच करो, उनको देखो, आप उनका नाम लेकर भी प्रार्थना कर सकते हो। मैं अपने बच्चों को ब्लेस करती हूँ, आपके बच्चों का फ्यूचर बेस्ट हो एंड ब्लेस्ड हो, आपके बच्चे आनंदित हो, आपके बच्चों के ऊपर मैं ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ, मैं सुरक्षा की घोषणा करती हूँ, हेल्दी शरीर की घोषणा करती हूँ। यदि अब जो बच्चे खाना नहीं खाते हैं आज से खाना खाने लगे, जो पढ़ाई में कमजोर है वो स्ट्रांग हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ गलत संगति से आजाद हो जाए, जिद्दी मन जिद्दी हट से आजाद हो जाए। आज आपके बच्चे आपकी सुनेंगे, जब आप परमेश्वर की सुनोगे तो बच्चे भी आपके सुनेंगे। आज से माता पिता अपने बच्चे को गाइड करना, प्रार्थना बैठाना, परमेश्वर के वचन की शिक्षा देना और वो आपको कभी ना छोड़ेंगे। परमेश्वर को ब्लेस करे, अगर के बच्चे बीमार है तो चंगे हो जाए, बी हील्ड, हर एक इन्फेक्शन छोड़ कर जाए, हर एक प्रॉब्लम छोड़ के जाए। यदि आपके बच्चे हॉस्पिटल एडमिट है, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। यदि बचपन से बीमार है, जन्म से ही प्रॉब्लम में है, बी हील्ड, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ। परमेश्वर दया करे आपके बच्चे पर, अनुग्रह करे आपके बच्चों पर, जिनके पास देवी की ब्लेसिंग है, प्रभु उनको भी देवी की ब्लेसिंग के साथ मैं ब्लेस्ड करती हूँ। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जिनका घर टूट चुका है मैं जोड़ देती हूँ के सामर्थ्य नाम, विश्वास करना, प्रार्थना मेरा नाम। जिनके परिवार के लोग, आपके परिवार के लोग यदि आपके अगेंस्ट को मारते हैं पीटते हैं, इसी वक्त उनके हाथ को मैं रोक देती हूँ के सामर्थ्य, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो आपकी कुछ हानि नहीं कर पाएंगे, वो नुकसान नहीं कर पाएंगे, गेट आउट। यदि ऐसा आपके घर में हो रहा है, हस्बैंड आपको मारता है, आपकी वाइफ उससे लड़ती है, बोलो मैं उसके हाथ को बांध देता हूँ, मैं उसके हाथ को बांध देती हूँ। आप कर सकते हो प्रार्थना, उसके मुंह को मैं लॉक कर देती हूँ कि आज से वो गालियां ना निकालेगा। आप ऐसी प्रार्थना करके देखो, एक बार वो लड़ाई ना करेगा, वो झगड़ा का कोई रीजन नहीं ढूंढ पाएगा। यदि परमेश्वर में सच्चे वफादार है तो ये जो प्रार्थना कर रहे 100% होगा। मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक जो लड़ाई झगड़े होते हैं, छोटी सी बात को लेके बड़े बातों को बना देते हैं और लड़ाई झगड़े होते हैं, मारपीट होता है, उनके हाथों को रोक देती हूँ, उनके मुंह को बंद कर देती हूँ। हर एक विरोधी आत्मा है, दुष्ट आत्मा को लेकर स्वाय, और ये शैतान का आत्मा ये जो कार्य करता है, हर एक गुस्से की आत्मा, गेट आउट। बोलो मैं रोज आपको फोन करूंगा, बोलो मैं प्रार्थना में बातें करूंगा, बोलो ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा जिस दिन मैं प्रार्थना नहीं किया हुआ हो। जिस तरह से हम अपने लोगों से रोज टेलीफोन में बात करते हैं, मैं रोज आपको फोन घुमाऊंगा, मैं रोज आपसे बातें करूंगा। जब आप इंटरेस्ट दिखाते हैं यीशु मसीह से बातें करने के लिए, तो परमेश्वर भी इंटरेस्ट दिखाता है आपकी दुआ को सुनने के लिए, आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए, कि आप प्रार्थना में क्या मांग रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, आपको किन चीजों की जरूरत है। और वो आ जाता है जब आप इंटरेस्ट दिखाते हैं उसके वचनों में, जब आप इंटरेस्ट दिखाते हैं, भूख और प्यास दिखाते हैं परमेश्वर में, उसके वचनों में, तो यीशु मसीह आ जाता है आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए, आपकी दुआ को सुनने के लिए। हाँ मेरे बेटी क्या जरूरत है, हाँ मेरे बेटे तुझे क्या चाहिए। यस आई एम योर ग्रेट प्रोवाइडर, मैं प्रोवाइड करूंगा, मैं
अपने अधिकार को भेजूंगा। मैं तुझे चंगाई चाहिए, हाँ बेटी ले चंगाई। तुझे ये चाहिए, ये बेटा मैं तुझे ये देता हूँ, मैं तुझे ये देता हूँ, मैं तुझे ये देता हूँ, इसलिए कि तूने फोन घुमाना नहीं छोड़ा है, तूने प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी है, तू मेरे पास आना नहीं छोड़ा है, तूने संगति करना नहीं छोड़ा है, इसलिए मैं तेरे प्रार्थना को सुनूंगा और मैं तुझे उत्तर दूंगा और वो उत्तर फल के रूप में आएगा, तेरी गोद में आएगा और तू शांति को पाएगी, तू आशीषित हो जाएगा, तेरा मन गदगद हो जाएगा, तू आशीषित हो जाएगा। आप काम भी करेंगे किचन में तो आप मुस्कुराते जाएंगे उसके वचन को याद करके। मैं ऐसे ब्लेसिंग की घोषणा करती हूं के सामर्थ्य नाम में, कोई शैतान आपको हरा ना पाएगा, परंतु कौन झुकेगा आपके आगे, वचन के आगे। जब वचन जितना अंदर आपके जाएगा, शैतान को झुकना ही पड़ेगा आपके आगे। जब शैतान आपके अंदर परमेश्वर को उसके वचन को देखेगा, ऑटोमेटिकली उसे झुकना ही पड़ेगा और वो झुक गया है। यीशु मसीह ने हरा दिया है। यदि आप नशा करते हैं तो छोड़ दें, अनुग्रह को मांगे। यदि आज भी आप पाप है तो पाप को छोड़ दें, सरेंडर कर। युद्ध का नियम है, यू हैव टू डेडिकेट योर सेल्फ, सरेंडर योर सेल्फ, सरेंडर योर लाइफ, सरेंडर योर family, surrender your business to Jesus Christ, surrender everything जो आपको belong करते हैं, जिसे आप belong करते हैं, surrender yourself, surrender your family, surrender your brothers, sisters, surrender your daughter, your son, everything जो connected है आपके साथ, surrender करो, समर्पण करो। क्या हिम्मत है शैतान की कि आपको आप पर अटैक करे, क्या हिम्मत है शैतान की आपके घर को तोड़ दे, क्या हिम्मत है शैतान की कि आपको बर्बाद करे। बोले क्या तेरी हिम्मत है, क्या तेरी औकात है। वचन में जितना आप समाएंगे उतना आप समर्थिक होते जाएंगे। हालेलुया। और आप हंसेंगे शैतान पर। नीति वचन की किताब में लिखा है 31 अध्याय में, और वहां पर लिखा है स्त्री अपने घर को बनाती है और स्त्री हंसती है। अकाल आने पर भी हंसती है, प्रॉब्लम आने पर भी हंसती है, मुस्कुराते रहती है। अरे चल छोड़, ए शैतान तू क्या बातें लेकर आया है, तुझे पता नहीं है मैं आगे निकल गई हूँ, मैं वचन में बढ़ना शुरू कर दिया है, मैं वचन में समाना शुरू कर दिया है, तेरा मुझ पे कोई अधिकार नहीं है शैतान। हालेलुया। और नीति वचन की किताब में हम पढ़ते हैं लास्ट अध्याय में कि वो हंसती है, अकाल में भी हंसती है, प्रॉब्लम में भी हंसती है, उसे पता है यीशु मसीह मेरे साथ है, मैं रोज फोन घुमाती हूँ, मैं उसके वचन को फॉलो करती हूँ, इसलिए वो हंसती है। और आप भी हंसेंगे, आप मुस्कुराएंगे, अरे तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, तुझे झुकना पड़ेगा, तू हारा हुआ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आज हर एक जन अपने आप को सरेंडर करे। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की तरह आजाद हो जाए, तालियों के साथ उसकी महिमा करें, उसकी शक्ति को रिसीव करें, उसकी सामर्थ्य को रिसीव करें, उसके अद्भुत 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 शक्ति को, सामर्थ्य को, अनुग्रह को रिसीव करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि बीमार है तो बोले मैं उसके कोड़ी खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, उसके कोड़ी खाने से चंगी हो चुकी हूँ, उसके कोड़ी खाने से चंगी हूँ। इन सबके हाथों में अनॉइंटिंग ऑयल दो और उस ऑयल को अप्लाई करना है। प्रार्थना में रहे, कोई मुझे ना देखे, कोई इधर उधर ना देखे, परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच मौजूद है। और जीसस 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 हालेलुया। आज पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, जब आप अनॉइंटिंग ऑयल को लगाओगे आप देखोगे बंधन टूटेंगे, आप देखोगे परमेश्वर का सामर्थ आपको टच करेगा, आप देखोगे आप आजाद हो गए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उर्रब खंत नम शंति रड़े बेखंत नम खंत नम उर्रब सुन नम शंति रड़े बेखंत नम। परमेश्वर के सगे हो जाओगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर और वचन, मतलब वचन और आपके बीच में कोई दूसरा तीसरा नहीं आना चाहिए, याद रखना। हालेलुया। किसी चीज को, किसी बात को बीच में नहीं आने देना है। और परमेश्वर में बढ़ोगे आप, सामर्थ्य हो जाओगे और तब आपको अधिकार मिलता है, तब बोलोगे तो वो हो जाएगा। सबके लिए नहीं है ये, पर जो परमेश्वर में स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, जो जलन करते हैं कि नहीं मुझे परमेश्वर के वचन को पूरा करना है, मैं परमेश्वर में ऐसे मैं परमेश्वर की निंदा नहीं कर सकता, मैं तोड़ नहीं सकता उसके बाड़े को, मैं सामर्थ्य कम नहीं हो सकता, मैं उसके बल में कम नहीं हो सकता, मुझे और 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 बलवंत होना है, उसके रिसीव करो, रिसीव करो, उस अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करो जहां दर्द, जहां प्रॉब्लम है। होली स्पिरिट, सभी जन खड़े हो जाओ, कोई मत बैठे, कोई भी मत बैठे। आज परमेश्वर हमारे बीच में बैठे हो, क्या रिस्पेक्ट दे रहे हो परमेश्वर को। जो बीमार है मैं उनको नहीं कहती। हालेलुया। रब खंत नम शंति रे बे खंत नम खंत नम
और रबखा सन्न मिशन अनटिंगल को लगाओ। बोलो मैं यीशु के लहू को लगाती हूं, बोलो मैं यीशु के लहू को लगाता हूं, परमेश्वर मुझे यीशु और बदल दे। करो करो प्रार्थना, चुप न रहे। हर एक को अनटिंगल दो, जो लेता उसे दो, जो नहीं लेता उसे मत दो। और रबखा सन्न मिशन दे, और रबखा सन्न नमस्वशन दे, और रबखा सो सन्न तो नमस्ते। और रबखा से जितने अनटिंगल लगा रहे, टच होली स्पिरिट, टच 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 Holy Spirit, परमेश्वर का आत्मा मूव कर रहा है, हमारे बीच में चल फिर रहे हैं। Be connected with Jesus Christ, receive करें। Hallelujah, Hallelujah, oh Jesus, be free in the mighty name of Jesus Christ, आजाद हो जाए। यदि आप हॉस्पिटल में से देख रहे हैं, या अपने घर में हैं, या बीमार में हैं, इतने महीनों से बैठे पड़े हैं, अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करो, यदि है तो। परमेश्वर का आत्मा को टश कर, रिसीव रिसीव अनॉइंटिंग, रिसीव अनॉइंटिंग, हीलिंग की अनॉइंटिंग को लो, चंगाई की अनॉइंटिंग को लो, डिलीवरेंस की अनॉइंटिंग को लो, छुटकारे की अनॉइंटिंग को लो। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, be healed and be delivered. Amen. हर एक दर्द छोड़ कर जाए right now. I command you. हर एक दर्द जो आपके शरीर में है, be free. Amen. Holy Ghost fire. Fire. Holy Ghost fire. Fire. परमेश्वर की आग उतर चंगे हो जाए. Amen. जो देख नहीं पाते देखने लगे. Amen. जो सुन नहीं पाते सुनने लगे. Amen. जो बोल नहीं पाते बोलने लगे. Amen. जो अपने हाथों को ऊपर नीचे नहीं कर पाते चंगे हो जाए. Amen. जो उठ बैठ नहीं पाते, be free. Amen. Touch Holy Spirit. चंगे हो जाओ, आजाद हो। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। आमेन। चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमेन। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा को शूरा है, पवित्र आत्मा को शूरा। जैसे मैं कह रही हूँ, ये मेरा वर्ड नहीं, ये परमेश्वर का वर्ड है। रिसीव करो, रिसीव करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो। बोलो मैं रिसीव करता हूँ। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। आमेन। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। ऐ शैतान, ऐ बीमारी, तेरा कोई ठिकाना नहीं, गेट आउट। इसी वक्त छोड़ कर जाए, हर एक इन्फेक्शन छोड़ के जाए, हर एक इलाज बीमारी छोड़ के जाए, हर एक घबराहट छोड़ के जाए, हर एक दर्द छोड़ के जाए, हर एक प्रॉब्लम छोड़ के जाए, हर एक समस्याएं छोड़ के जाए। होली घोस्ट फायर, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। प्रार्थना करके चंगे हो जाओ, आजाद हो जाए। परमेश्वर का आत्मा चंगा कर रहा है आपको, अब आजाद हो रहे हैं। परमेश्वर पुशूर है, हर एक अंदरूनी आपके जो अंदर में जो जो निराश है, जिसका कोई हल नहीं है संसार के पास, लेकिन यीशु के पास हल है। जीसस इज योर सॉल्यूशन, ही इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। वो परमेश्वर कौन है? सॉल्वर है, समस्याओं का समाधान करने वाला परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करती आज से हर एक निराशाएं जाए, हर एक कंफ्यूजन दूर हो जाए, हर एक निराशाएं, जबकि जिंदगी में हर एक चिंता वाली बात आज सबकी जिंदगी का हिस्सा नहीं। परमेश्वर कहता चिंता मत कर तू, बट तू प्रार्थना कर। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा शुद्ध कर एक ऐसे लोगों को जो सीरियस है प्रार्थना में, जो सिंसियर है, आज जो रिसीव कर रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं, आज हर एक जनों को शुद्ध यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इसी वक्त राइट नाउ आजाद हो जाए। आके बच्चे आजाद हो जाए, हर एक प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हर एक लाइलाज बीमारी से आजाद हो जाए, हर एक पीलिया से आजाद हो जाए, हर एक सर्दी खांसी बुखार से आजाद हो जाए, हर एक रोग इतने सालों से आपके ऊपर बैठी है, गेट आउट। हर एक रोगग्रस्त बीमारी से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती जो बहनों के पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। आपका यूट्रस चंगा हो जाए। मैं प्रार्थना करती चंगे और आजाद हो जाए। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। आज से चंगाई आपका हिस्सा हो। सुरक्षा की घोषणा करती हूँ, प्रोटेक्शन की घोषणा करती हूँ। आपके घर के चारों ओर में बाड़ा को बांध देती हूँ स्वर्गदूतों का। रिसीव करो, मैं रिसीव करता हूँ, बोलो मैं रिसीव करती हूँ, बोलो मैं ग्रहण करता हूँ, बोलो। स्वर्गदूतों को बाड़ों में बांधती हूँ, आपके घर के चारों ओर, आपके बच्चों के चारों ओर,
आपके बिजनेस के चारे और मैं बाड़ा बांधती यीशु के लहू में कवर करती हूँ। आपके जॉब में बाड़ा बांधती हूँ और मैं आपके जॉब को ब्लेस करती हूँ, आपके बिजनेस को ब्लेस करती हूँ। आप ऊंचे होने के लिए बुलाए गए हैं, आप आशीषित होने के लिए बुलाए गए हैं। जितने बिजनेस मैन है मैं बेस्ट बिजनेस की घोषणा करती हूँ। खाली आप ग्रोथ करेंगे बिजनेस में, पवित्र आत्मा यीशु लीजिए होली स्पिरिट एंड बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक शैतान की चलाकी को मैं कैंसिल करती हूँ आपकी जिंदगी से, शैतान के प्लानिंग को मैं ढा देती हूँ, गिरा देती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में एंड बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक विचार की आत्मा, गंदे सोच विचार की आत्मा, गलत चीजें जो शैतान दिखाता करता आपके साथ होली को फायर, गलत चीजें छोड़ के जाए। जो गंदे ऐप्स आपने डाउनलोड किए हैं अपने फोन में, गेट आउट और डिलीट करो, क्योंकि ये भी एक शैतानी है। होली को फायर, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, निर्दोष हो जाए, आपके हर एक्शन में निर्दोष हो, आपके क्रियाओं में निर्दोष हो, आपके बोलने में निर्दोष हो, आपने देखने में निर्दोष हो, अपने हार्ट में निर्दोष हो। परमेश्वर पवित्र कर दे हर एक यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज से आप पवित्रता में रहेंगे, पवित्रता ही में चलेंगे, पवित्रता ही आज सबके जीवन का हिस्सा होगा, पवित्रता ही आज सबके जीवन का हिस्सा होगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखो, यदि अपने बच्चों के पास यदि नहीं तो आत्मा में टच करो, उनको देखो, आप उनका नाम लेकर भी प्रार्थना कर सकते हो। मैं अपने बच्चों को ब्लेस करती हूँ, आपके बच्चों का फ्यूचर बेस्ट हो एंड ब्लेस्ड हो, आपके बच्चे आनंदित हो, आपके बच्चों के ऊपर मैं ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ, मैं सुरक्षा की घोषणा करती हूँ, हेल्दी शरीर की घोषणा करती हूँ। यदि अब जो बच्चे खाना नहीं खाते हैं आज से खाना खाने लगे, जो पढ़ाई में कमजोर है वो स्ट्रांग हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ गलत संगति से आजाद हो जाए, जिद्दी मन जिद्दी हट से आजाद हो जाए। आज से आपके बच्चे आपकी सुनेंगे, जब आप परमेश्वर की सुनोगे तो बच्चे भी आपके सुनेंगे। आज से माता पिता अपने बच्चे को गाइड करना, प्रार्थना बैठाना, परमेश्वर के वचन की शिक्षा देना और वो आपको कभी ना छोड़ेंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, इधर के बच्चे बीमार है तो चंगे हो जाए, बी हील्ड, हर एक इन्फेक्शन छोड़ कर जाए, हर एक प्रॉब्लम छोड़ के जाए। यदि आपके बच्चे हॉस्पिटल में है बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। यदि बचपन से बीमार है, जन्म से ही प्रॉब्लम में है, बी हील्ड, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ। परमेश्वर दया करे आपके बच्चों पर, अनुग्रह करे आपके बच्चों पर, जिनके पास देवी की ब्लेसिंग है प्रभु उनको भी देवी की ब्लेसिंग के साथ मैं ब्लेस्ड करती हूँ। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जिनका घर टूट चुका है मैं जोड़ देती हूँ के सामर्थ्य नाम, विश्वास करना, प्रार्थना मेरा नाम। जिनके परिवार के लोग, आपके परिवार के लोग यदि आपके अगेंस्ट को मारते हैं पीटते हैं, इसी वक्त उनके हाथ को मैं रोक देती हूँ के सामर्थ्य, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो आपकी कुछ हानि नहीं कर पाएंगे, वो नुकसान नहीं कर पाएंगे। गेट आउट। यदि ऐसा आपके घर में हो रहा है, हस्बैंड आपको मारता है, आपकी वाइफ उससे लड़ती है, बोलो मैं उसके हाथ को बांध देता हूँ, मैं उसके हाथ को बांध देती हूँ। आप कर सकते हो प्रार्थना, उसके मुंह को मैं लॉक कर देती हूँ कि आज से वो गालियां ना निकालेगा। आप ऐसी प्रार्थना करके देखो, एक बार वो लड़ाई ना करेगा, वो झगड़ा का कोई रीजन नहीं ढूंढ पाएगा। यदि परमेश्वर में सच्चे वफादार है तो ये जो प्रार्थना कर रहे 100% होगा। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जो लड़ाई झगड़े होते हैं, छोटी सी बात को लेके बड़े बातों को बना देते हैं और लड़ाई झगड़े होते हैं, मारपीट होता है, उनके हाथों को रोक देती हूँ, उनके मुंह को बंद कर देती हूँ। हर एक विरोधी आत्मा है, दुष्ट आत्मा को स्वाय, और ये शैतान का आत्मा ये जो कार्य करता है, हर एक गुस्से की आत्मा गेट आउट। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। आज से घर में एकता की घोषणा करती हूँ, हालेलुया, एक मन की घोषणा करती हूँ। मैं परमेश्वर के प्रेम, जैसे परमेश्वर कहता प्रेम करो, उसी तरह से अपने परिवार में एक दूसरे से प्रेम करो। आपका प्रेम परमेश्वर में बढ़ता चला जाए तो आपके परिवार में भी एक दूसरे से प्रेम बढ़ता चला जाए। यदि आपको लड़ाई का रीजन मिलता है तो लड़ाई नहीं करना है, समझाना है। पवित्र आत्मा यीशु लीजिए एंड बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जितने फॉरेन से देख रहे हैं, होली स्पिरिट टच एंड बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आज सबका काम बने। यदि फॉरेन कंट्री में आपके पास जॉब नहीं, मैं जॉब की घोषणा करती हूँ, मैं जॉब की गुड न्यूज की घोषणा करती हूँ। यदि बीमार है तो चंगे हो जाए। हर एक जादू टोना तंत्र मंडोली का फायर एंड बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर मदद करे, सहायता करे, अनुग्रह दे और शांति दे। आपके परिवार में शांति की घोषणा करती हूँ। हालेलुया, परमेश्वर के कामों को बढ़ा और बिजनेस को ब्लेस कर। आज से ये आत्मिकता की बातों को फॉलो करें,
संसार की बातों को फॉलो ना करें। मैं प्रार्थना करती हूँ आत्मिक जन बन जाए। जब दाऊद बुद्धिमान हो गए तो शाऊल डरने लगा, जब बाइबल को पढ़ोगे तब समझदार होते चले जाओगे। आज से वचन से भरपूर हो जाओ और आत्मिक समझदार हो जाए। शैतान आपसे डरेगा, दूसरे लोग आपसे बात करने में डरेंगे। पवित्र आत्मा शू टच होली स्पिरिट, आज से जब आप घर जाएं, आपका मन उमड़ेगा प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना करने का आत्मा को लो। होली स्पिरिट हाथों को उठाओ, ऊंचा करो, ऊंचा करो, टच होली स्पिरिट, टच 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 टच। आज से आप ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करेंगे। जब प्रार्थना नहीं कर पाते, पवित्र आत्मा प्रार्थना करने का आत्मा दे। जो वचन को नहीं पढ़ पाते, आज से आप वचनों को पढ़ेंगे। हालेलुया, आप आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे। मैं ब्लेस करती हूँ मसीह के सामर्थ्य नाम में, पवित्र आत्मा शु और बदल यीशु के सामर्थ्य नाम में। अनुग्रह की घोषणा कर, जब अपने घर जाएं तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा वो साथ साथ चले, आपकी अगुवाई करे, आपको इंस्ट्रक्शन दे और उसके पीछे चलते जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, सभी जन जोर से ताली बजाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक जन जोर से ताली बजाए, जोर से हालेलुया, हालेलुया। जब आप घर जाएं तो परमेश्वर का मसीह आपके साथ जाए, आपके घरों में जाए और परमेश्वर आपके साथ रहे, पवित्र आत्मा के साथ रहे और परमेश्वर की हजूरी में बने रहे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, मदद करे, साथ करे, अनुग्रह दे, शांति दे और तसल्ली दे। हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट है और वचन कहता है आत्मा प्राण और शरीर पूरे 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 निर्दोष होना चाहिए। जब तक मैं ना आऊं, जब तक परमेश्वर का आगमन नहीं होता है, आत्मा प्राण शरीर को क्या करना, निर्दोष और पवित्रता ही में रहना। ट्रांसपेरेंट लाइफ होनी चाहिए जिसमें ना कोई दाग हो, ना झुर्री हो, ना कोई कलंक हो, ना कोई दोष लगा सके। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि जब तक ना है प्रभु, हमें निर्दोष बना, निष्कलंक बना और हम बने रहे पवित्रता में और अपने आगमन के लिए हर एक लोगों को दिन प्रतिदिन तैयार कर। हमारा लक्ष्य है कि परमेश्वर अब जल्द आने वाले हैं और हम बाट जोते हैं, आशा देखते हैं कि अब जल्द आने वाले हैं। और जब यीशु मसीह आएगा तो जितने लोग होंगे जो मसीह में जो सो गए हैं वो जी उठेंगे और हवा में उड़कर मसीह से मिलेंगे। हम सभी हवा में उड़कर, जो बचे रहेंगे, जो जीवित रहेंगे, हवा में उड़कर यीशु मसीह से मिलेंगे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और यही हमारी जिंदगी का लक्ष्य है कि हम यीशु मसीह के दुल्हन है और हमें तैयारी करना है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर को ब्लेस करे, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर, मुझ पर, हम सब पर, हर एक कलीसिया पर, हर एक लोगों के पर। जब तक यीशु मसीह नहीं आते तब तक पवित्र आत्मा की सहभागिता, यीशु मसीह के साथ संगति बनी रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर को ब्लेस करें, परमेश्वर का अनुग्रह। जो लोग अभी भी टाइट अपनी ऑफरिंग देना चाहते हैं, ऑनलाइन देना चाहते हैं, जो रह गए वो दे सकते हैं। हालेलुया। तो जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं, अपनी इंक्वायरी को आप क्लियर कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है प्रार्थना करवाने के लिए, और उस नंबर पर कॉल करके आप प्रार्थना करवा सकते हैं, अपनी इंक्वायरी को क्लियर कर सकते हैं, आप अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। नंबर है 9711051481। आप इस नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं, अपनी इंक्वायरी को क्लियर कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को आप शेयर कर सकते हैं। और जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं तो अपनी गवाही को देना ना भूलें, अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं। और जो व्हाट्सएप का नंबर है गवाही भेजने के लिए, आप उस नंबर पर अपनी गवाही को सेंड करें दूसरों के साथ शेयर करने के लिए। हर एक प्रार्थना का सभी ने हिस्सा बनना है। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे, शाम की शाम को 6 बजे। और आप सबको इनवाइट करते हैं आने वाली बड़ी मीटिंग, गुड फ्राइडे ईस्टर मीटिंग। गुड फ्राइडे का मीटिंग होगा 29 मार्च, 31 मार्च को ईस्टर का मीटिंग। तो आप सभी इसके लिए इन्वाइटेड है, सभी ने आना है, सभी जन इन्वाइटेड है। अभी से अपनी टिकट्स को बुक कराएं जो लोग दूर से हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो अपनी प्रार्थना में एक एक विषय के साथ, प्रेयर पॉइंट्स के साथ आपने प्रार्थना करना है, हर एक पॉइंट्स के साथ, पूरे बोझ के साथ सभी ने प्रार्थना ही करनी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हर एक प्रार्थना सभा का सभी ने हिस्सा बनना है। हर एक अपडेट्स को जल्द से जल्द सबसे पहले पाने के लिए चैनल को मसीह गीत एचडी चैनल, द गॉड ऑफ हेवन चर्च चैनल, दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। सभी जन अपनी प्रार्थना में पास्टर जी के लिए लगातार याद रखें, चर्च भवन की जमीन के लिए, चर्च की एक एक जरूरत के लिए, पूरी टीम के लिए। सभी जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, परमेश्वर में बने रहें, अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन गाएं हालेलुया।